डकैती के इरादे से बंदूक लेकर बैंक में घुसने वाले कई आरोपियों के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो बैंक में अपना काम नहीं होने की वजह से बंदूक लेकर घुसा, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए बैंक में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि जब जांच की गई, उक्त व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई बंदूक नकली थी। तो आखिर क्या है पूरा मामला, ये देखते हैं। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम करीब 6 बजे पुलिस को जानकारी मिली कि एक व्यक्ति रामदासपेट स्थित ICICI बैंक में बंदूक लेकर घुसा और बैंक कर्मियों को धमका रहा है। जानकारी मिलते ही हंगामा मच गया। पुलिस के आते तक बैंक में मौजूद लोगों ने ही उसे दबोच लिया। पता चला कि उसके पास की बंदूक नकली है और वह मानसिक रोगी है। उसका नाम दलवा मेठी वाड़ी निवासी गुणवंत पुरुषोत्तम काले बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुणवंत स्वयं को पूर्व सैनिक बताता है और मानसिक रूप से बीमार है। उसे शक था कि उक्त बैंक ने उसके खाते में जमा रकम की धोखाधड़ी की है, तब से वह बदला लेने का सोचता था। बताया गया कि वह पिछले 3-4 दिनों से हर दिन बैंक आ रहा था, लेकिन बैंक कर्मियों द्वारा उचित व्यवहार ना होने से नाराज था। इसी गुस्से में वह शाम करीब 6 बजे बैंक पहुंचा और अपने पास रखी बंदूक निकाल ली। यह नजारा देखकर वहां हंगामा मच गया, लेकिन कुछ देर में ही सिक्योरिटी गार्ड और बाकी लोगों ने उस पर काबू पा लिया और पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले गन को कब्जे में लिया। गन पकड़ते ही पता चला कि यह नकली है। इसके बाद गुणवंत से पूछताछ में उसने अपने शक और बैंक कर्मियों से बदले लेने की बात बताई। जांच करने पर पता चला कि वह मानसिक रोगी है। आज 5 बजे दरमियान रामदास पेठ मध्ये ICICI बैंक मध्ये एका माणूस आला होता, त्यांच्या सोबत एका नकली पिस्टल होती आणि ते कॅरी करत होता। त्यांचा असा सांगणं होता की त्यांनी जे बँक मॅनेजर आहे त्यांच्या मिळण्याची त्यांची इच्छा होती, ते लोकांना तर सांगत होते आणि ते वेपन पण त्यांच्या सोबत होता आणि जे असिस्टंट मॅनेजर होते त्यांच्यामध्ये हे भीती झाली। त्यांनी 100 वर कॉल केला। बडीची जे पोलीस होती ते तिकडे पोहोचली आणि त्यांनी त्यांना ताब्यात घेतला आणि आता कंप्लेंट घेण्याची प्रक्रिया चालू आहे। गुणवंत के पिता ने जानकारी दी कि पिछले 20 वर्षों से डॉक्टर सुधीर भावे के यहाँ उसका इलाज चल रहा है। वह पहले नियमित दवाइयाँ लेता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अधिक तनाव में दिख रहा था। करीब 4 दिनों से वह घर नहीं आया था, लेकिन बुधवार दोपहर 1:30 बजे करीब वह घर पहुंचा और अपने घर की अलमारी का ताला तोड़कर अंदर से कुछ निकाला और फिर चला गया। उसके बाद यह घटना सामने आई। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।